अस्सलाम वालेकुम, उमैमा के फ़नी व्लॉग में सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज ये सर्दियाँ जो है नवंबर का एंड हो चुका है और नवंबर का महीना अब ख़त्म होने वाला है जी। सर्दी का मौसम है और जो है हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है जी। बारिशें तो रुक गई हैं लेकिन हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बना रहे हैं जी फ्राई फिश, और ये हमने ना फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ है ताकि हम ना इस फिश को जो है ना अच्छे तरीके से मैरिनेट करके, मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया है। इसमें मैंने मसाले मिलाए हुए हैं। पहले तो इसको मैंने सिरका लगाया है, सिरके के बाद इसको मैंने सारे मसाले, इस मिक्स मसाला मिर्ची और सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मसाला जात के फ्राई फिश के लिए, वो मैंने सारे मैरिनेट इसको उसमें करके रखा है और दही भी डाल के मैरिनेट किया है, सिरका भी डाला है और काफ़ी देर इसको मैंने रख रखा है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाले का टेस्ट चला जाए। अब जी गाइस, मैंने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल हो गया है गरम और अब हम जी फिश को फ्राई करते हैं। और जी तो गाइस, हमारी फ़िश है मसाले लगे हुए तैयार, तो हमने इसको करना है फ्राई। फ्राई के लिए ऑयल ज़्यादा ही कुछ गर्म हो चुका था, मैंने हल्की आँच कर ली है ताकि इसको थोड़ा सा इसका जो जो ये जोश है कम हो जाए। और उसके बाद आपको बताते हैं जी, अब हम ये फिश के पीसेस उठा के फ्राई के लिए डालते हैं। और आप हमारे चैनल को उमैमा की फ़नी व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगता है आप सबको चैनल, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें गाइस और आगे शेयर करें। सर्दियों में फिश खाना बहुत ज़रूरी भी होता है इंसान की सेहत के लिए भी, और इंसान को टेस्ट भी अच्छा चाहिए होता है कभी तो। फिश जो है हमें हफ्ते में एक दो मरतबा लाजमी खाना चाहिए। और बाय की फ्राई हुई फिश होती तो टेस्टी है, लेकिन ये है कि वो ना वो टेस्ट ज़रूर होता है लेकिन उसमें वो सफाई से बनी हुई वो चीज़ नहीं होती है जो घर में फ्राई होती है। तो इसलिए जी हम इसको घर में बना रहे हैं ताकि फ्रेश फ्रेश बन जाए अच्छे तरीके से। और इसको मैंने हल्की आँच पे ना रखा हुआ है ताकि हल्की आँच पे फ्राई हो जाए और हमारी टेस्टी और यम्मी सी फिश जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और आपको फिर मैं इसकी मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है फिश को, ताकि ये अंदर से ना पूरी पक जाए और ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो और इसकी अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए, कच्चापन ना रहे। तो बच्चों को बहुत पसंद है मेरे, और ख़ास तौर पे मायमा को बहुत पसंद है। मायमा कहती है मामा फ़िश बनाएं फ़िश बनाएं। मैंने पहले उनको खाना दिया, खाने के बाद मैंने अब फ़िश फ्राई करना शुरू किया है। सर्दियों का मौसम है तो कुछ हमें नया खाने को दिल करता है, बच्चों को दिल करता है कि हम कुछ खाएं नया, नए तरीके से बनाओ। और इसलिए हमने जो है ना आज फ़िश रखी हुई है खाने के लिए। देखें गाइस कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत ही नाइस कलर आ रहा है। और यकीनन मुंह में पानी भी आ गया होगा आपके और मेरे तो ऑलरेडी आ रहा है। अब जब सही फ्राई हो जाएगी उसके बाद जो है ना आपको हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और हमारे चैनल को हमेशा लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नए जो हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे हमारे चैनल को शेयर करें। और हमारा ये चैनल है जो हमने उमैमा के फ़नी व्लॉग के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। उमैमा मेरी छोटी बेटी है, क्यूट सी प्यारी सी बेटी है, उसको सपोर्ट करें गाइस। उसकी मस्तियाँ, उसकी प्यारी प्यारी वीडियोस शॉर्ट पे भी चल रही हैं, शॉर्ट पे भी आप सब मेरे चैनल को आगे सपोर्ट करें गाइस। और साथ मेरी कुकिंग भी इंजॉय करें, मेरी बच्ची उमैमा की भी फ़नी फ़नी व्लॉग इंजॉय करें और शॉर्ट पर हमें भी फीड दें, अपनी तरफ से सपोर्ट करें हमें। आपका सपोर्ट ही हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है जी। तो गाइस ये देखें हमारी फिश का फाइनल कलर कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए और इसकी स्मेल तक ना रहे और सही जिनकी जायके वाली पक जाए।
तो अब ये जो है खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसकी फाइनल लुक आ चुकी है जी। तो गाइस ये हमने जो फिश पहले डाली थी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए जी मज़े मज़े की यमी टेस्टी क्रिस्पी सी ये जी फिश हमारी तैयार है। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी और मुँह में पानी भी आ गया होगा। और मज़ीद ये फाइनल ये आखिरी रहती है, इसको हमने फ्राई करनी है और हमने सेकंड जो है ये फ्राई होने के लिए डालनी है। और अब ये फ्राई होगी उसके बाद हम इसको भी निकालेंगे और फिर सारी ये हमने फ्राई करके फिर एंड पे हमने सर्व करनी है। यमी यमी टेस्टी टेस्टी हमने ये खानी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और ये फिश भी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें याद रखिएगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाजमी हमारा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिल जाए और हमारा व्लॉग आप देखते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और मेरी उमैमा के फनी व्लॉग, मेरी प्यारी सी बेटी का चैनल शॉर्ट पे उसकी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें कैसी लगती है आपको। और मेरी अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं मैं जो बनाती हूँ घर की रूटीन में आपको दिखाती हूँ, वो भी आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।